मैं मुसलमानों के हुकूक और उनके बाहमी ताल्लुकात के बारे में कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं। अगरचे अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका नागुफ्तनी जिनको कहा जा सकता है उनका कहना मुश्किल हो गया है, शायद मैं उसका कहना मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन फिर भी जो बातें आम इंसानी ज़िंदगी से मुतालिक हैं, आम मुसलमानों से मुतालिक हैं, उन बातों को मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने पिछली दफ़े अर्ज़ किया था कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात को दुरुस्त रखने के लिए कुछ तो मनफी अहकाम दिए गए हैं और ये बताया गया कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना, और कुछ हैं जो मुस्बत हदायात दी गई हैं। चुनाचे उनमें से जो मुस्बत हदायात थी उनका जिक्र मैंने पिछली दफ़े किसी हद तक किया था, ये तो नहीं कह सकता कि सब कर दिया था, लेकिन कुछ बातें अर्ज कर दी थी। अब जो उसका दूसरा हिस्सा है मनफी बातों का जिनसे हमें रोका गया है, उनको मैं आज जिक्र करने वाला हूं। इनमें से बाद बातें आप महसूस करेंगे कि शायद हमारी निगाह में उनकी अहमियत को ज्यादा ना हो, लेकिन एक बात आप जहन में रखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, उसी ने इसकी फितरत को बनाया है, उसी ने इसको जज्बात दिए हैं। वो खूब जानता है कि जज्बात में इश्तियाल कब पैदा होता है, वो खूब जानता है कि इंसान के दिल पर कौन सी बातें असरअंदाज होती हैं और कौन सी चीजें हैं जो दिल को जोड़ती हैं और कौन सी चीजें हैं जो दिलों को तोड़ती हैं। हकीकत में ये जो हदायात कुरान करीम देता है इनकी हैसियत एक तरह से वसलो फसल की है कि इनमें इन पर अमल करने से दिल जुड़ते हैं और इन पर अमल न करने से दिल टूटते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनकी हैसियत एक वसलो फसल की तरह है, इसलिए इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी उनमें से अगर कोई ऐसी बात कही जाती है जो हमारी निगाह में या हमारे दिमाग के हवाले से जहनी उफक के एतबार से समझा जाए कि ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुरान करीम ने उस बात का जिक्र किया है, तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी गहराई से वाकिफ नहीं हैं जैसे उसकी असल गहराई। हमें खुद अपनी किल्लत फिक्र को समझना चाहिए या कोताही फिक्र को समझना चाहिए। उनमें सबसे पहली तो बात इरशाद फरमाई गई है, और जो बात इससे पहले वो मैं कह चुका हूं उसको क्या दोहराऊं कि मुसलमानों का आपस का ताल्लुक मोमिन का ताल्लुक है, सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, तमाम मोमिन एक दूसरे के भाई। इसे उसकी और नजाकते हैं मैं उसको वाजे कर चुका हूं, और ये भी फरमाया कि जब भी तुम्हें कभी इख्तलाफ हो तो उनका हल जब सोचो तो बाहमी अखुवत की बुनियाद पर सोचो, लड़ाई झगड़े और असले के हवाले से नहीं, बाहमी अखुवत की बुनियाद पर जिस तरह भी जो चीजें भी इख्तियार की जा सकती हैं वो इख्तियार की जाए, ये बात भी मैं पहले कह चुका हूं। अब इस इस्लामी अखुवत को बचाने के लिए छोटी से छोटी बात से रोका गया जिससे इसको नुकसान पहुंचता, उनमें सबसे पहले जिस बात से रोका गया है वो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी निगाह में शायद बहुत बुलंद ना हो, लेकिन आज समझ लीजिए कि अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो यह बात बड़ी अहमियत रखती है। फरमा या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, आगे पर उसकी इल्लत बयान की गई कि मुसलमानों तुम में से एक तुम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। एक है दिल लगी करना, मजाक करना। मजाक करने का मतलब यह होता है कि मैंने आपसे एक बात कही उससे आपको भी खुशी हुई मुझे भी खुशी हुई, कहने वाला भी महसूस होता है और सुनने वाला भी, इसको तो कहते हैं मजाक करना या दिल लगी करना। लेकिन जिससे कहने वाला तो खुशी महसूस करे लेकिन सुनने वाला बुझ कर रह जाए या उसे तकलीफ महसूस हो, उसको मजाक करना नहीं कहते या दिल लगी करना नहीं कहते, उसको मजाक उड़ाना कहते। उर्दू जुबान का यह मुहावरा है। इसे यहां जो जिस माना में इस्तेमाल किया जा रहा है वो लफ्ज, उसका माना यही किया जा सकता है कि मुसलमानों तुम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। मजाक आदमी क्यों उड़ाता है या कौन उड़ाता है? कहा उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि जो आदमी दूसरे का मजाक उड़ाता है, तमस्कुर उड़ाता है,
वो असल में अपने आप को बेहतर समझता है, दूसरे को कहतर समझता है, अपने आप को बरतर समझता है, दूसरे को फरोतर जानता है, अपने आप को इज्जत वाला समझता है, दूसरे को जलील गुमान करता है, या अपने आप को अमीर समझकर इमारत पर फख्र करता है, दूसरे की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, अपने आप को बहुत अच्छी शक्ल सूरत वाला समझता है, दूसरे की बदसूरती का मजाक उड़ाता है, या अपने आप को समझता है कि मैं एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता हूं और यह मामूली निचले खानदान ताल्लुक रखता है, उसका मजाक उड़ाता है। मेरा जिस पेशे से ताल्लुक है वो पेशा बहुत बुलंद है, और जिस पेशे से इसका ताल्लुक है अगर ये हलाल रोजी कमाता है लेकिन वो इज्जत के लायक नहीं है। यह अलग बात है कि हमने बात चीजें खुद से इख्तियार कर ली। आप यूरोप में चले जाए, कोई आदमी टेलर मास्टर की तौहीन नहीं कर सकता। टेलरिंग ऐसा पेशा है हमारे यहां, यह तौहीन के लायक, वहां एक ऐसी एक यानी कमाई का ऐसा एक मुबारक जरिया है कि कोई आदमी उसको नहीं समझता, यह कोई कम दर्जे की बात। जिस आदमी ने बाल काटने की दुकान बना रखी है, सैलून है जिसका, और वो बाल काटता है दूसरों के, वो अपने आप पर फख्र करता है कि मैं बिगड़ी हुई शक्लों को दुरुस्त करता हूं, लेकिन हम उसकी तौहीन करते हैं कि एक नाई का बेटा है, यह एक नाई है। जो जूते बनाता है ना, वो उसको समझ समझ कर जानता है कि मैं अपने हाथ से काम करता हूं, और हाथ से काम करने को सबसे पहले इस्लाम ने इज्जत दी है, लेकिन हम उसको जरीर समझते। यानी जितने पेशे थे अल्लाह के रसूल ने उनको अजमत दी, हमने उनको जरीर किया, और जरीर कहां से किया? हिंदुइज्म के असर से, अंग्रेज के असर से नहीं। अंग्रेज की तहजीब ने हमें और बात को बहाते बख्शी है, लेकिन जो चीजें हमारी समाजी और आयरी जिंदगी में और हमारी मुआशरती जिंदगी में तबाही का बायस बनी है वो ज्यादातर हिंदू असरात कर दी जाए, उनके अजू के जात की तकसीम है। इसलिए जो लोग हाथ से काम करते हैं उनको कमीन कहते हैं, कमी कहते हैं। आप देखते नहीं है कि देहात में चौधरी साहब सारे दिन बैठे हुक्का पीते हैं ना, और उनके कामे काम करते हैं, वो काम करने वाले जरीन है या बेकार हुक्का पीने वाला इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इसलिए कि चंद टुकड़े जमीन का तुम्हारे का। और जो लोग सारा दिन बेचारे मेहनत करके कमाते हैं वो कमीन है, उनका भला ही बुरा। अल्लाह फरमाता है कि बुनियादी तौर पर जो खराबी है वो ये है कि तुम अपने आप को दूसरों से बेहतर जानो, चाहे कबीले के एतबार से, बिरादरी के एतबार से, पेशे के एतबार से, तालीम के एतबार से, माल और दौलत के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, कोई सा एतबार भी हो, किसी हवाले से अगर अपने आप को दूसरे से आप बेहतर जानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर तकब्बुर पाया जाता है। और हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में तकब्बुर होगा वो कभी जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा, जबकि उसकी बू 70 साल दूर से आ रही होगी, 70 साल की मुसाफत से, लेकिन वह बू भी नहीं सूंघेगा। यानी जो बुनियादी खराबियां हुजूर ने बयान फरमाई हैं, जिसके पैदा हो जाने के बाद हुजूर ने बाज़ दफे सीरत की इसलाह की तरफ से मायूसी का इजहार फरमाया, उनमें से तकब्बुर है जो हमें कम कदम कदम पर महसूस होता है। यानी कोई किसी हवाले से बड़ा आदमी छोटे को अपने बराबर बिठाने को कभी तैयार नहीं होता। आपने कभी गौर फिक्र किया है कि जिन पेशों को हम बुरा समझते हैं ना, और जिस दौलत को हमने इज्जत की अलामत जाना है, वो दौलत नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी? आपकी गुर्बत का हमेशा कुरैश मक्का ने ताना दिया, लेकिन कुरान की मैं बार बार इस गलतफहमी को दूर किया कि नादानों जिन चीजों को तुम इज्जत की अलामत जानते हो वो इज्जत की अलामत नहीं है, इज्जत की अलामत और चीज है वो तकवा। बार बार कुरान की मैं उसका जिक्र किया। इसे पेशावरी को और पेशों को जो हम तौहीन की निगाह से देखते हैं, सोहैब रूमी क्या थे? एक पेशावर आदमी, एक बढ़ई थे वो। हस्त अमर बिन आस, अरब ने 4 मुदब्बर पैदा किए हैं जिनमें एक हस्त अमर बिन आस है, अपने वक्त का जहीन तरीन आदमी, वो कस्साब थे, अगरचे कुरैश थे लेकिन गोश्त बेचा करते थे। बहुत सारे लोग आप देखेंगे साहबा को क्यों छोड़िए, इमाम गजाली क्या है, गजा जुलाहे को कहते हैं,
وہ فخر سے اپنے ساتھ نظر نہیں رکھتے. یہ قدوری آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ امام قدوری ہے, ان کی سب سے پہلی کتاب قدوری فقہ کی بنیاد ہے, اسی کی شرح ہدایا ہے. بہت بڑے فقیہ اپنے دور کے. قدور کدھر کی جمع؟ ہڈیوں کو کہتے ہیں. وہ گمار تھے, ہڈیاں بنایا کرتے تھے. ہمارے سرکت آج ہیں, آج ان کے سامنے ہر صاحب علم جھکتا ہے. چلیے ان میں پچھلے حوالے نہیں دیتا. ہمارے اس ملک کا سب سے بڑا مفتی, جس کو سیاست کا بھی امام سمجھا جاتا تھا اور دین کا بھی, مفتی کفایت اللہ مرحوم ہے. علماء سے پوچھئے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور آپ جانتے ہو ایک نائی کے بیٹے تھے. یعنی جن چیزوں کو ہم نے توہین کی نگاہ سے دیکھا ہے, جب ان کے پر علم چھا جاتا ہے تو ظاہر کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کون تھا. لیکن اسلام نے خاص طور پر ان باتوں کے محسوس کرنے کو بھی حرام قرار دیا. یہ عزت کی علامتیں نہیں ہیں, لیکن ہمارے معاشرے سے وہ چیزیں ختم ہونے میں نہیں آتی. فرمایا جس حوالے سے تم دوسروں کی قدر کی نگاہ سے نہیں بلکہ ناقدری کی نگاہ سے دیکھتے ہو اور اپنے آپ تم بڑا سمجھتے ہو, یہ تمہارے تکبر پایا جاتا ہے, بہت بڑی بیماری ہے. فکر اس کی کرو, دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ. اور اگر تم دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے, ناقدری کرو گے, اس پر ہنسو گے تو دل جڑے گے نہیں, پھٹیں گے. اور مسلمان تو ہے ہی ہر طرح کے, وہ تو ہے ہی عجیب. یعنی پوری دنیا سے آئے ہوئے قسم قسم کے لوگ, ان کو جس چیز نے روک, جس چیز نے ایک کیا ہے وہ اسلام کی محبت ہے. اب اگر اس کو نظر انداز کر کے آپ نے پیشوں کو اٹھایا اور اس کی وجہ سے آپ نے کسی کی دل آزاری کی, تو گویا یوں سمجھیے آپ نے اسلام کی دیوار میں دراڑے پیدا کر دی. اسے معمولی جرم نہیں ہے. تو کہا لوگوں تم ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ. میں پہلے یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے زندگی کا, نیک لوگوں اس کو کبھی اپنی نیکی کے خلاف نہ جانو. یعنی منہ بسورے رکھنا, تیوریاں چڑھائے رکھنا, ہر وقت سرکے کے بوتل بنے رہنا, یہ نہیں ہے نیکی. نیکی تو اللہ کو راضی کرنے کا نام. اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ظاہر وہی ہماری نمونہ ہے نا. باوجود اس کے کہ نبوت کا جلال ان کے چہرے پر برستا تھا, آپ اس کو کم کرنے کی کوشش فرماتے تھے تاکہ لوگ مجھ سے استفادہ کر سکے. چھوٹوں چھوٹوں سے بھی دل لگی فرماتے, بچوں سے بھی, بڑوں سے بھی. حضرت بیاری آپ کے پروردہ ہیں, بہت چھوٹے بھی ہیں. جو گھر کا چھوٹا بچہ اپنا پالا ہوا وہ کب سامنے بات کر سکتا, لیکن حضور ان سے بھی دل لگی فرماتے. ایک دن ساتھ بیٹھے, دونوں کھجوریں کھا رہے تھے اور بھی مہمان تھے, تو حضور نے کیا کیا کہ کھجور کھاتے جاتے تھے اور اس کی گٹھلی ہستاری کے سامنے رکھتے جاتے تھے. ظاہر ان کے سامنے گٹھلیاں بہت ساری جمع ہو گئی اور حضور کے سامنے کوئی گٹھلی نہیں تھی, تو آپ نے گٹھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ علی تم نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ ہستاری نے نہایت ادب سے جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے گٹھلیاں میرے سامنے رکھ دی ہیں. اور میں کہ حضور اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے گٹھلیاں نکال کے کھائی, گٹھلیوں سمیت تو نہیں نا کھائی, گٹھلیاں نکال کے کھائی ہیں. ظاہر گٹھلیاں تو سامنے ہی ہوں گی نا. پھر اس حضور تو بچوں تک سے ہست انس کے سب بھائی ہیں چھوٹے, عمیر ان کا نام ہے. جو لوگ سعودی عرب گئے آپ, اگرچہ وہاں بہت کچھ انقلاب آ گیا, بڑی تبدیلی آئی ہے, لیکن ایک زمانہ تھا جو زمانہ کسی حد تک میں نے دیکھا ہے جب میں وہاں زیر تعلیم تھا, کہ چڑیوں کے چہ چہے کو آدمی ترس جاتا, کوئی جانور دیکھنے کو نہیں ملتا, کوئی اچھا درخت دیکھنے کو نہیں ملتا. تو وہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے جس کو ہم ممولہ کہتے ہیں, وہ کہیں عمیر بچے تھے 6-7 سال کے, ان کو کہیں وہ ہاتھ آ گئی تو وہ بڑے خوش اس سے کھیلتے رہتے تھے. اللہ کی شان کیا ہوا کہ مر گیا وہ ممولہ. حضور کو پتا چلا اور وہ بہت غمگین ہوئے. حضور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے کہ جب بھی وہ آپ کے سامنے آتے نا تو آپ فرماتے یا عمیر ما فعل النغیر, او عمیر تیرے نغیر کو کیا ہوا. نغیر کہتے ممولے کو, یعنی باہمی ایک ہم صوتی سے
کہ آواز ملتی ہوتی دونوں لفظوں کی. حضور نے اسے دلگی پیدا فرمائی کہ جب وہ سامنے آتا فرماتے یا عمیر ما فعل النغیر، وہ اس سے مسکراتا ہنستا کھیلتا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور بھی دلگی فرماتے تھے، لیکن دل آزاری آپ نے کبھی نہیں فرمائی. یعنی کوئی ایسی بات کہ اسے دوسرے کا دل دکھے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہی تربیت مسلمانوں کو دی گئی. اور یہ میں نے عرض کیا کہ بڑی بھائی اس بری بات اس لیے ہے کہ یہ اصل میں یہ تصور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ تکبر ہے کہ آدمی دوسرے کو ہیٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اور اس سے بڑی برائی اور کوئی نہیں. یہی بات عورتوں سے بھی کہی گئی ہے، صرف مردوں سے نہیں بلکہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا ذکر کرتا ہے نا مردوں کو خطاب کر کے، تو عورتوں کا الگ ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ ایسے معاملات میں مرد اور عورتیں یکساں ہیں، وہ خطاب اصل میں دونوں سے ہوتا ہے. لیکن یہاں عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کریم دیکھیں نا، یہ دوسرے کا مذاق اڑانا یہ اس وقت ہوتا ہے نا جب یکجائی ہو، ہم نشینی ہو، ہم مجلسی ہو، ایک جگہ بیٹھا بیٹھنے کا موقع ہو، تو تبھی ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے گا. عورتوں کا الگ سے ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ بیٹھیں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے. مخلوط ہم نشینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسے اگر صرف مردوں کو حکم دے دیا جاتا تو یہ بات باقی رہ جاتی کہ کیا عورتیں بھی مذاق اڑائیں یا نہ اڑائیں، یا مرد عورتیں جمع ہوں تو کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر سکتی یا نہیں. بات ہی اڑا دی کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ہم نشین بھی نہیں ہو سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے. یہ کو ایجوکیشن لعنت ہے، اور یہ تو اس دور کی لعنت ہے. مسلمان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی اور لڑکا دونوں مل کر ایک لیبارٹری میں کبھی کوئی ریسرچ بھی کر سکتے، کبھی آپ سے نوٹس کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسلمان کبھی نہیں سوچ سکتا تھا. اور کبھی باہمی ایک نشست میں ایک ڈائننگ ٹیبل پر مرد اور عورتیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور بے تکلف بھی باتیں ہوں گی، یہ آج کی تہذیب کا ثمر ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. اسے فرمایا بھلا نساء من نساء، مرد مردوں سے کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اور اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا اڑائیں اور عورتیں مردوں کا، اس لیے کہ نہ تم جمع ہو سکتے ہو ایک ساتھ، تو مذاق اڑانے کا کیا کہا موقع ہے؟ کہا عورتیں بھی یہ حرکت نہ کریں. اور دوسرا میں نے کہا شاید اس لیے بھی کہا کیونکہ بہت زیادہ ایک دوسرے پر تان کر کے اور ایک دوسرے کو مذاق اڑا کے خوش ہوتی، کبھی کسی کے زیور کا مذاق، کبھی کسی کے کپڑوں کا مذاق، کبھی کسی بات کا مذاق، کبھی کسی بات کا. عورتوں کے اس بارے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کہا وہ بھی ایسا نہ کریں. عسا ان یکن خیر منہن، کہا ہو سکتا ہے کہ جو عورتیں دوسری عورتوں کو اپنے آپ سے کم درجہ سمجھتی ہیں وہ ان سے بڑے درجے کی ہوں، تمہیں کیا پتا. یہی بات مردوں سے کہی کہ عسا ان یکن خیر منہن، کہ تم جن کا مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ عزت والے ہو اللہ کی نگاہ میں. حدیث میں آیا بھی ہے کہ ایک دن حضور مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے. عبداللہ کو علم کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور وہ علمی اعتبار سے بہت وجی شخصیت ہے. اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ جب ان کو کوفہ میں معلم بنا کے بھیجا ہے عمر فاروق نے، تو جو خط لکھا تھا اہل کوفہ کو، اس میں لکھا تھا کہ اہل کوفہ تم قدر کرنا عبداللہ کی، میں علم میں اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھتا ہوں، اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے، تم ان کی قدر کرنا، ناشکری نہ کرنا. اندازہ کرے گا تمہارا فاروق جیسا آدمی علم میں اور ہر لحاظ سے ان کا کیا مقام ہے. وہ کہتے ہیں میں عبداللہ کا محتاج ہوں علم میں، لیکن تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. یہ عبداللہ اپنے مسعود تشریف لائے تو علم میں تو خیر ان کا جو مقام تھا سو تھا ہی، لیکن اپنے جسم کے اعتبار سے مختصر سے آدمی تھے. ٹانگیں ان کی بڑی کمزور تھی، پنڈلیاں دونوں سوکھی ہوئی تھی، بڑی پتری پتری سی. چنانچہ چونکہ اس وقت لباس جو ہے میسر نہیں آتا تھا، وہ اہل صفا میں سے تھے. اصحاب صفا جو حضوری کے پاس
रहते थे मस्जिद नबवी में, और वो चबूतरा बड़ा सा जिसमें बैठकर वो हुजूर से इल्म सीखते रहते थे, उनको अहले सुफा कहा जाता है। उनकी तादाद 70 से 400 तक रही है। और हज़रत अबू हुरैरा कसम खा के ये कहते हैं कि इन अहले सुफा को हुजूर की जिंदगी में कभी दो वक्त खाने को नहीं मिला था। और कहा बात में हमें इतनी भूख से परेशानी होती कि दोनों दिन खाना ना मिलता और हम बेहोश होकर गिर जाते। लोग समझते कि शायद हमें मिर्गी का दौरा पड़ता है। कहा मैं मिर्गी नहीं थी, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। और हुजूर जिंदगी भर उनको जो लिबास देते रहे ना, वो कमीज और तयबंद नहीं था, ये जो या सर का इमामा, ये नहीं था लिबास उनका। उनका लिबास ये था कि एक चादर हुजूर ने अता फरमाते, वो उल्टे गुजार कर यहां मांग लेते थे, वही कमीज का काम देती, वही घुटनों के नीचे तक लटकती रहती थी, वही तयबंद का काम देती थी। और चूंकि वो तयबंद वो लटकती थी ना घुटनों के नीचे, तो नीचे पिंडलियां तो नजर आती थी। तब वो आए तो पिंडलियां उनकी सूखी हुई, कमजोर सी, उनको देखकर सहाबा की हंसी छूट गई, हंस पड़े। अब देखिए इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है, लेकिन हुजूर को यह बात भी नागवार गुजरी। आपने निहायत बरहमी से फरमाया कि तुम अब्दुल्ला की पिंडलियां देख के हंसे हो। कहा तुम्हें क्या पता कि अल्लाह के यहां कयामत के दिन इन पिंडलियों का मकाम मर्तबा क्या होगा। कसम दे के फरमाया कि कयामत के दिन ये पिंडलियां कोहे ओह से ज्यादा वजनी होंगी, भारी होगी कोहे ओह से। इससे आप अंदाजा करें कि आदमी जिस आदमी को बाद वो मजाक का निशाना बनाता है ना, उसे क्या खबर कि अल्लाह के यहां उसका क्या मकाम। अगर वो अल्लाह के यहां बड़े मुकाम का मालिक है, क्योंकि अल्लाह के यहां मुकाम तो तकवा की वजह से होता है ना, और तकवा में चेहरे बतवा लिखा होता है। हुजूर ने एक मौके पर 3 दफे इरशाद फरमाया, अ तकवा हा होना, अ तकवा हा होना, तकवा हा होना। लोगों तकवा यहां होता है, पहचाना नहीं जाता, वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन पहचान उसकी होती है दोस्तों जब लोगों से मामला करता है। सिर्फ नमाज पढ़ते हुए किसी को देखकर अंदाजा नहीं किया जा सकता कितना मुत्तकी। अगर जब नमाज पढ़ना एक बहुत बड़ी शहादत की बात है, लेकिन सिर्फ नमाज देखकर, एक आदमी के बारे में हुजूर ने हज़रत उमर फारूक को फैसला करने वाले थे, पूछा लोगों तुम इसके बारे में जानते हो, एक आदमी उठा कहा हुजूर मैं जानता हूं। फरमाया तुमने इसके साथ सफर किया, उन्होंने कहा जी नहीं। कहा तुमने उसके साथ कभी मामला किया, कहा जी नहीं। कहा तुमने उसके साथ बैठकर एक दस्तरखान पर कभी खाना खाया, कहा जी नहीं। आपने दुर्रा उठाया, कहा कि तो क्या तुमने सिर्फ इसे नमाज पढ़ते देखा, और तुम कहते मैं जान गया हूं इसे। आदमी खुलता है सफर में दस्तरखान पर मामलात करते हुए, तब पता चलता वो आदमी कैसा है। अगर जब नमाजी और बेनमाजी की बहुत बड़ी पहचान है, इसमें कोई शुमार नहीं, वो बेनमाज से तो अच्छा है, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है इस बात की सनद देना ये नामुमकिन है, अल्लाह ही जानता है। इसलिए तकवा भी यहां है। तो तुम किसी को जब निशाना बनाते हो मजाक का, अगर वो अल्लाह भी यहां बहुत बड़ा दर्जा रखता है, फिर क्या करो। हर बेशा गुमा मबर के खाली अस्त शायद के बल पलंग खुफ्ता बाशद। सादी कहते हैं हर जंगल को मत समझो कि वो खाली है, हो सकता वहां कोई चीता छुपा हुआ। तुमने जिस आदमी को समझा है कि बड़ा कमजोर सा और ऐसा वैसा आदमी मालूम होता है, तुम्हें क्या पता अंदर उसके अल्लाह ने क्या मुकाम रखा। एक तो ये फरमाया कि लोगों एक दूसरे का मजाक मत तोड़ाओ, यानी तौहीन ना करो किसी की। किसी का अगर बास है ना, तो वो उसकी सरजनश कर सकता अपने मातहत की, लेकिन तौहीन नहीं कर सकता। हुजूर ने इस बात से मना फरमाया, फरमाया अपने गुलामों तक की तौहीन ना करो, फरमाया अपने गुलाम को खादिम कह के मत पुकारो, या गुलाम कह के मत पुकारो, अबद कह के मत पुकारो। फरमाया अगर कभी बहुत मुसीबत आ जाए तुम्हें मारना ही पड़े अपने गुलाम को, कहा उसके चेहरे पर कभी कभी ना मारो, चेहरा तो इज्जत की अलामत है, चेहरे पर मत मारो। यानी हत्तर इमकान इज्जत से बचाया, हर बेइज्जती से बचाया। यानी जो आदमी बड़े मनसब का है वो तरीके से बात करे। थोड़े दिन पहले मैं एक मजमून देख रहा था, मैं देखा जी अल्लाह ने जिन लोगों को समझ दी होती है, हमारे यहां एक मौला फतेह साहब होते थे, पिछले दिनों इंतकाल कर गए,
उनके एक साथी ने लिखा कि मुझे उन्होंने शाम को कहा कि कल को दफ्तर में यह बहुत जरूरी काम है और मैं आपको ताकीद करता हूं कि यह काम कल से पहले हो जाना चाहिए। कहने के मैं जब अगले दिन गया तो चूंकि उनकी याददाश्त बहुत खराब है भूल गए, तो कहा जाते उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों बुखारी साहब काम हुआ, उन्होंने कहा जी मैं बात ले चाहता हूं मैं तो भूल गया। अब यह बहुत बड़ी बात है, इसे उस काम की बड़ी अहमियत थी। मौलाना ने जवाब में सिर्फ दो मरतबा इतना फरमाया कि यह तो बड़ी ज्यादती की बात है, यह तो बड़ी ज्यादती की बात है भाई, ये कहने के बाद सर झुका ली अपने काम में लग गए। अब मेरे ख्याल में अगर वो हमार शुमार भी करते ना, उल्टी सीधी बातें करते, तो उन पर वो असर ना पड़ता जो आज तक वो भूल नहीं सके कि मौलाना ने मुझे टोका नहीं था, सिर्फ तवज्जो दिलाई थी और उसमें पानी पानी हो गया कि मुझसे गलती क्यों हुई। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माबूर यही था। एक सहाबी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि नमाज में कलाम करने पर पाबंदी लग गई। लोगों आपको मालूम होना चाहिए, जो थोड़े बहुत इख्तलाफ है ना मुसलमानों में, उसकी एक वजह यह भी है कि नमाज में तब्दीलियां आई है रफ्ता रफ्ता। लेकिन जो मुसाफिर साहबा कभी आए फिर लौट के ना आए, उन्हें हुजूर को जैसे नमाज पढ़ते देखा अपनी कौम में जाकर वही रवायत की, लेकिन वो रवायत सही है उनकी, वो भी सुन्नत है हुजूर की, बाद में तब्दीली आ गई उनको पता नहीं। वो कहते तो मुझे इसका इल्म नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था वापस आया नमाज में हाजिर हुआ तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जमात हो रही थी। पहले यह होता था कि वो सलाम कहते तो जो लोग सुन लेते वो नमाज के दौरान मैं तो देखते भी और सलाम का जवाब भी देते। कहा किसी ने जवाब नहीं दिया। कहा मेरे पास जरा कुरख था आवाज में कहा कि तो मेरे जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने तिरछी निगाहों से इनकी तरफ देखा इस तरह आंख बचाकर। कहा मैं और सटपट आ गया, मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे तरफ कैसे देखते हो, वो जवाब क्यों नहीं देते। अब उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो मैं नमाज में शरीक हो गया। कहते मेरी ये आवाजें हुजूर तक भी पहुंची, फिर वो कसम खा के कहते हैं कि मेरे मां बाप कुर्बान हो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐसा मुरब्बी और ऐसा मुअल्लिम जो दूसरों की हमदर्दी में सबसे बढ़कर हो, दूसरों खैर खाही में और नरमी में, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। कहा बाद में हुजूर ने मुझे बुलाया, अब मैं गया तो मेरे पांव भरज रहे थे कि न जाने हुजूर मुझसे क्या फरमाएंगे। कहने के मुझे हुजूर ने पास बिठा लिया और फरमाया ये अल्लाह की शान है, वो जब चाहता जो चाहता हुक्म देता है करने को और जिस चीज को चाहता बदल देता है। तो भी शायद मालूम नहीं है कि अब नमाज में बात करना रोक दिया गया, ये नमाज अल्लाह का जिक्र है, इसमें बातें नहीं की जा सकती। आप बताइए हुजूर ने कुछ फरमाया, कुछ नहीं जुड़ हत्ता कि एक बदमी ने हुजूर के सामने पेशाब कर दिया मस्जिद में, साहबा वो करते उठे कि जाके इसको पकड़े और रोके इसे। हुजूर ने फौरन आवाज दी कि मत रोको इसे, कहा इसे खुल के पेशाब करने दो, दरमियान में रोकोगे तो हो सकता है इसे को बीमारी लग जाए, कहा मत रोको इसे। जब उसने पेशाब कर लिया खुल के, उसे पता ही नहीं था, उसको मेरे हुजूर ने अपने पास बुलाया। पर मैं ये अल्लाह के घर जो है ना ये पाकिजगी चाहते हैं, यहां बौलो बराज नहीं गिराया जाता, यहां तो अल्लाह का जिक्र होता है ना, यहां पेशाब का क्या काम। बाद में उनको समझ में आई तो उसमें तो बदमी थे बिल्कुल, अंदाजा बढ़ना कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, लेकिन हुजूर ने डांटा नहीं। असल में हमारी तबीयत की सख्तियों ने बल्कि बदसलूकियों ने बहुत सारे लोगों को न जाने कितने लोगों को खफा किया। एक बार ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हुजूम क्यों ज्यादा है शराब खाने में, फकत यह बात कि पीरे मगा है मर्द खुरीक, वह खुल्क वाला आदमी है मोहब्बत करने वाला, तो ज्यादा लोग शराब खाने को जाएंगे ना। मस्जिद का इमाम और मस्जिद का मौलवी मेरे जैसा होगा और वह खाने को दौड़ेगा लोगों को, ज्यादा लोग उसके पास क्यों जाएंगे। इसलिए हम जो लोग अपने आप को बाजार नेक समझते हैं ना, हमें यह बातें समझ लेनी चाहिए कि हमारे अंदर इस तरह क्यों खराबी है, तो नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात फरमाई गई वला तल मिजू अनफुसकुम लम्स, कहते हैं तान करना, किसी को ताना देना, किसी की फप्ती कसना,
फिक्रा चुस्त करना, कोई चुपती से बात कहना, फर्ज करे वो लंगड़ा है तो लंगड़ा कहेगा कि छेड़ना, तो और उसके जिस्म में खराबी है उसको तामे के बुतान का निशान बना देना, कहा ये मत करो ऐसा, ये भी तुम्हारे अंदर ताल्लुकात की खराबी का एक उन्मान बन जाएगा। लफ्ज ना करो, ताल ना दो किसी को। और फिर अजीब बात यह है कि यहां यह नहीं फरमाया कि दूसरों को ऐसा ना करो, बल्कि फरमाया भला तल मिजू अनफसा को, अपने आप को ताल ना दो। हालांकि अपने आप को कौन देता है? उसमें तसव्वुर यह दिया कि दूसरा मुसलमान असल में दूसरा नहीं है, वो तुम्हारी अपनी दूसरी शक्ल है, वो तुम्हारा भाई है। तुम जब दूसरे की दिल आजारी करते हो ना, असल तुम उसकी नहीं करते, तुम अपना दिल तोड़ते। इसे समझ लो कि वो दूसरा नहीं, वो तुम अल्फस में शामिल है, वो तुम सारे एक नफ्स रखते हो, सारे जसद वाहिद के आजा हो, तुम सारे भाई भाई हो आपस में, या एक जिस्म के मुख्तलिफ आजा हो, तुम्हारे अंदर कोई बेगानगी नहीं है। इसे दूसरे को कभी तान का निशाना ना बना। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया कि लोगों कभी अपनी मां को गाली ना दो। साहबा ने हैरान होकर कहा हुजूर अपनी मां को भी को गाली देता? फरमाया जब तुम दूसरे की मां को गाली दोगे तो वो तुम्हारी मां को गाली नहीं देगा। और ये तुमने जो रास्ता खोलना है कि तुम्हारी अपनी मां को गाली पड़े, तुमने उसको गाली दी, उसने पलटकर तुम्हें दी, तो गोया तुमने अपनी मां को गाली दी। इसलिए कहा अपनी मां को गाली ना दो। ये सब लड़ने बैठने वाले लोगों को और जो लड़ाने वाले लोग हैं उनके लिए वला तसुब्बुन नज़ीन यदउना मिन दूनिल्लाह फसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। फरमाया कि इनके बुतों को कभी तरकीब तो करो शिर्क के हवाले से, लेकिन कभी उनको बुरा मत कहो। अगर तुम उनके बुरों को, उनके बुतों को बुरा करो कहोगे, उन कुव्वतों को बुरा कहोगे जो अल्लाह के सामने शरीक कर रखी है, तो वह मुश्तहिल होकर तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। तो तुम असल में सबब बने होगा अपने खुदा को गालियां दिलवा। ये जो हम बाज दफे दूसरों पर तनकीद करते करते जात तक पहुंच जाते हैं ना, और दूसरों को नाजेबा कलिमा से याद करने लगते हैं, फिर वो ज़ाहिर पलट कर हमें वैसे ही जवाब देता। तो ये असल में हम उन्हें नहीं कहते, अपने आप को कहते। किसी उर्दू जुबान के शायर ने बहुत अच्छा कहा था, उन्होंने कहा दिलों को जख्म ना दो हर्फ ना मुलायम से, नाजेबा बात कहोगे ना मुनासिब बात तो दूसरे का दिल दुखेगा, तो फिर क्या होगा? कि दिलों को जख्म ना दो हर्फ ना मुलायम से, यह तीर वो है जो लौट कर भी आता है, यह तो लौटेगा पर तुम्हें छल नहीं करेगा। इसलिए तुम दूसरों को ऐसी बात क्यों कहते हो कि पलट के तुम्हारे पास आए? और तीसरी बात इरशाद फरमाई, ये तो मेरे घर में आपके लिए शायद बहुत ही अजीब बात होगी, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा करेंगे तब आपको मालूम होगा कि हदायत दी जा रही है यह हमारी फितरत के बहुत करीब है। फरमा वला तनाबजू बिल अलकाब, लोगों एक दूसरे की चिड़ मत मुकर्र किया करो, दूसरों को उल्टे सीधे नाम ना रखा करो, या मुख्तलिफ अलकाब से लोगों को बार बार ना पुकारो कि वो चिड़ जाए। हम कभी इन बातों पर तवज्जो नहीं देते। कुरान करीम जो आखिरी किताब है अल्लाह की, उसने कितनी छोटी छोटी बातों की तो तवज्जो दिलाई कि अगर तुम इन छोटी बातों को रोकोगे ना, यही बातें हैं, ये छोटे चंगारियां हैं, ये बढ़कर अलाव भी बन सकती। यानी तुम किसी का मजाक उड़ाओगे, किसी पर हंसोगे, किसी को तान दोगे, किसी को चिढ़ाओगे, यही बातें जाहिर है कि गाड़ी तक नौबत पहुंचाएंगी, गाड़ी गोली की सूत में ढलेगी, फिर देख लो मुआशरे का क्या हाल हो। मैंने सिर्फ तीन बातें अर्ज की हैं कि कुरान करीम ने मना किया है कि मत किसी का मजाक उड़ाओ, मत किसी को तान दो, और मत किसी की चिड़ मुकर्र करो। इसके बाद कुछ बातें इरशाद फरमाई गई हैं, वादा नहीं करता हो सका तो उनका जिक्र करूंगा, वरना हो सकता किसी और मौजू पर बात हो। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।